अब हम अगला टॉपिक देखेंगे इस टॉपिक में आपको एक सिलेंड्रिकल सेल दिया रहेगा विद द हेमिस्फेरिकल एंड्स देखिए ये सिलेंड्रिकल सेल है जिसका जो एंडिंग है वो आपका कैसा है हेमिस्फेरिकल है तो हमें क्या निकालना रहेगा एक तो इसमें टोटल चेंज इन वॉल्यूम निकालना रहेगा जब यहाँ पे प्रेशर पी लगाएंगे तो ये एक्सपांड होगा तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम निकालना बिल्कुल आसान है हम जानते हैं चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला फॉर द सिलेंड्रिकल सेल और यहाँ पे दो हेमिस्फेरिकल सेल को मिला देंगे तो एक स्फेरिकल सेल आपका मिल जाएगा तो हम चेंज इन वॉल्यूम का फॉर्मूला स्फेरिकल सेल के लिए भी हमने उसको डिराइव करके निकाल लिया है तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम आप निकाल लेंगे चेंज इन वॉल्यूम इन सिलेंड्रिकल सेल प्लस चेंज इन वॉल्यूम इन हेमिस्फेरिकल सेल दोनों को एड कर देंगे सेकेंड जो इंपॉर्टेंट कंडीशन हमको निकालना है यहां पे कि यहां पे डिस्टॉर्सन न हो हम नहीं चाहते कि यहां पे आपका डिस्टॉर्सन हो है ना तो क्या होना चाहिए सरकमफ्रेंसल स्ट्रेन जितना हेमिस्फेरिकल एंड में आना चाहिए उतना ही सरकमफ्रेंसनल स्ट्रेन आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन में आना चाहिए अगर इन दोनों की जो सरकमफ्रेंसल स्ट्रेन बराबर आएगी तो यहाँ पर डिस्टोर्सन नहीं होगा यहां से ये टूटेगा नहीं देख, तो वो कंडीशन भी हम लोग निकालेंगे तो हम निकालते हैं तो देखिए यहां पे क्या क्या चीज दिया हुआ है डी इज द इंटरनल डायमीटर ऑफ द सिलेंडर टी वन इज द वॉल थिकनेस ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन टी टू इज द वॉल थिकनेस ऑफ द हेमिस्फेरिकल पोर्शन तो देखिए हम जानते हैं सरकमफ्रेंसनल स्ट्रेस डेवलप इन द सिलेंड्रिकल पोर्शन इसका फॉर्मूला आप पहले डिराइव कर चुके हैं यह आपका कितना आया था दैट इज पी डी अपॉन टू टी वन ये हुस के जितना आया था तो पी डी अपॉन टू टी वन इज द सर्कम फ्रेंसनल स्ट्रेस पे है सेंट्रिकल पोर्शन में अब इसके अंदर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस भी आपका जनरेट होगा तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इसमें कितना आएगा दैट इज पी डी अपॉन फोर टी वन तो ये सरकम फ्रेंसनल स्ट्रेस हो गया और ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस इस वाले में अब हेमिस्फेरिकल पोर्शन में आप देखेंगे अब देखिए सरकम फ्रेंसनल स्ट्रेस डेवलप इन देमिस्फेरिकल पोर्शन ये अगर आपको निकालना है तो दैट इज पी डी अपॉन फोर टी टू ठीक है पी डी अपन फोर टी टू टी टू क्या है इसका थिकनेस है ठीक अब हम स्ट्रेन निकालेंगे इन दोनों में तो देखिए सरकम स्ट्रेन इन ए सिलेंड्रिकल पोर्सन अगर आपको निकालना है तो यह पहले देख चुके हैं

स्ट्रेस लगेगा तो आपको सरकम फ्रेंसनल स्ट्रेन निकालना है ई सी की वैल्यू निकालना है ई को मैंने ई से रिप्रेजेंट करा है ठीक तो ई विल बी इक्वल टू तो इसके कारण जो स्ट्रेन होगा इस डायरेक्शन में वो कितना होगा सिग्मा सी अपॉन ई और इसके कारण इस डायरेक्शन में क्या होगा लेटरल स्ट्रेन होगा जो कि कंप्रेसिव नेचर का होगा इसलिए मैंने उसको लिखा माइनस म्यू इंटू सिग्मा एल अपॉन ई तो सरकम फ्रेंसनल स्ट्रेन आपका आ गया सिलेंड्रिकल पोर्शन में दैट इज सिग्मा सी अपॉन ई माइनस म्यू टाइम सिग्मा एल अपॉन ई ये पहले भी हम समझ चुके हैं अब सिग्मा सी और सिग्मा एल की वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पे हम जानते हैं सिग्मा सी कितना है पीडी अपॉन टू टी वन सिग्मा एल आपका कितना है पी अपॉन फोर तो इसमें से हम कुछ कॉमन ले लेंगे हमने पी अपॉन टू ई कॉमन ले लिया तो आपका बचा है माइनस म्यू बाय टू तो आ गया सरकम फ्रेंसनल स्ट्रेन इन सिलेंड्रिकल पोर्शन अब सरकम स्ट्रेन इन पोर्शन आपको निकालना है तो आप जानते हैं ये दोनों मिलके क्या बन जाएगी एक आपका स्फेयर बन जाएगा तो जितना सरकम स्ट्रेन इस साइड में आएगा उतना ही इस साइड आएगा दोनों बराबर आएगा ठीक तो इसके कारण इस डायरेक्शन में कितना आएगा सिग्मा सी अपॉन ई आएगा और इसके कारण इस डायरेक्शन में लेटरल स्ट्रेन आएगा जिसका कि कंप्रेसिव नेचर होगा तो उसको आप लिखेंगे माइनस म्यू e. तो हेमिस्फेरिकल पोर्शन के कारण इतना सरकम स्ट्रेन आएगा हम सिग्मा सी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे दैट इज पीडी अपॉन फोर्टी टू देखिए यहाँ पे मैंने पुट कर दी आपकी ये वाली इक्वेशन बन गई इसमें से मैंने कॉमन ले लिया क्या कॉमन लिया पीडीपॉन फोर टी टू कॉमन ले लिया यहाँ पे वन माइनस म्यू बन जाएगा तो देखिए ये सरकम फ्रेंसनल स्ट्रेन पोर्शन में भी आ गया अगर ये दोनों आपके बराबर रहेंगे तो यहाँ पे डिस्टॉर्शन नहीं होगा तो देखिए इन ऑर्डर दैट देर इज नो डिस्टॉर्शन एट द जंक्शन ऑफ द सिलेंड्रिकल एंड हेमिस्फेरिकल पोर्शन द सर्कम फ्रेंसनल स्ट्रेन इन द टू हैव टू इक्वल तो मैंने यहां पे ई वन इक्वल टू ई टू लिख दिया अब इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूंगा जो चीज कट रही है उसको मैं यहाँ पे काट दूंगा यहाँ पे देखिए क्या कटेगा P.D. से ये P.D. आपका कट जाएगा यहाँ पे ई e है यहाँ पे ई e से कट जाएगा इस टू से ये फोर को काटेंगे यहाँ पे टू बचेगा फिर इसको अपन सॉल्व कर लेंगे इसको सॉल्व कर लेंगे तो यहां पे मैं लिख देता हूँ इसको मैं हटा देता हूँ यहां पे तो आपका इसमें रेशियो आ जाएगा टी टू अपॉन टी वन इज इक्वल टू वन माइनस म्यू डिडेड का थिकनेस है और टी वन क्या है ये आपका सिलेंड्रिकल सेल का थिकनेस है अब सेकेंड हमको इसमें क्या निकालना है आपने ये रेशियो निकाल लिया इसकी जरूरत हमको फॉर्मूले प्रॉब्लम में पड़ेगी इस फॉर्मूले की अब हम निकालेंगे

टी वन क्या है इसका थिकनेस ये फार्मूले का डेरिवेशन आप पहले कर चुके हैं अब देखिए यहां पे -दो हेमिस्फेरिकल्स एंड है। तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो क्या बन जाएगा? एक सेल बन जाएगा जाएगा एक स्फेरिकल सेल तो उसका जो चेंज इन वॉल्यूम आप निकालेंगे तो क्या निकलेगा अपॉन फोर टी टू वन माइनस म्यू तो इन दोनों को आप ऐड कर देंगे तो टोटल चेंज इन वॉल्यूम इस वाले केस के लिए आपका निकल आएगा अब हम इस पे प्रॉब्लम करेंगे